नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, शिवजी का मंदिर है ताजमहल, क्योंकि मुझे योगी जी ने बताया है और लोगों ने भी बताया कि ये शिवजी का मंदिर है, तो शिवजी का मंदिर बने। इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ साथ 10-20 हजार मुसलमानों को जो लाठी और फावड़ा लेकर योगी जी के साथ चलेगा, आगे भी नहीं बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर। पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे और दूसरा मैं मारूंगा। गिराएं ताजमहल को, क्यों खड़ा है ये गुलामी की निशानी। आइए सुनते हैं आजम खान का क्या कहना था। शिव जी का मंदिर है ताजमहल, क्योंकि मुझे योगी जी ने बताया और लोगों ने बताया कि शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर बने। इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ 10-20 हजार मुसलमानों को लाठी फावड़ा लेकर साथ चलेगा योगी जी के, आगे भी नहीं बराबर कांधे से कांधा मिलाकर। पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे ताजमहल पर, दूसरा मैं मारूंगा। गिराएं ताजमहल को, क्यों खड़ा है ये गुलामी की निशानी। वैसा ये पहली बार नहीं है जब ताजमहल को शिव मंदिर बताए जाने को लेकर विवाद चल रहा हो। आजम खान ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना ये पहली बार नहीं साधा है। हाल ही में उमा भारती के बयान पर भी आजम खान ने तंज कसते हुए कहा था कि आरएसएस का मकसद संविधान में संशोधन करने का नहीं है, ये लोग तो संविधान खत्म करना चाहते हैं। ताजमहल की बात पर आजम खान ने कहा था कि राम मंदिर बनने से पहले इन लोगों ने ताजमहल को तोड़ने की बात की थी, ये लोग ताजमहल तोड़कर शिव मंदिर बनाए, हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था कि दिल्ली में जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदें हैं जिन्हें ये लोग मंदिर कहते हैं। हम चाहते हैं कि ताजमहल को सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी मिलकर तोड़ें, यह शिवालय बनाने में हम इनका साथ देंगे। ये लोग इन मुद्दों को कभी सुलझाना नहीं चाहते हैं, ये मुद्दे वोट लेने के लिए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।